प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनुशासन के बारे में बताना चाहता हूँ। अनुशासन का इंग्लिश का वर्ड है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, मैंने उन सब की रैंकिंग की, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सब रैंकिंग का टोटल किया तो 100 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 100% सफलता डिसिप्लिन के अंदर है। एक भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा इंग्लिश का, कोई भी आप सोच लें, ट्राई करके देख लें, जिसके लेटर्स की रैंकिंग करे तो 100 मिले। केवल एक डिसिप्लिन वर्ड ऐसा है जिसके लेटर्स की रैंकिंग का टोटल 100 होता है। इसका मतलब 100% सफलता इस शब्द के अंदर ही है। जो इसे अपनाएगा उसे 100% सफलता जरूर मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, विशेषकर जो विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, वो हर दृष्टि से पढ़ाई में सबसे आगे रहते हैं। क्योंकि अनुशासन का मतलब क्या है? नियम से काम करना। जो विद्यार्थी अनुशासित हैं, वो सुबह जल्दी उठेंगे, सारे दिनचर्या से निवृत्त होकर के अपनी पढ़ाई करेंगे, समय पर अपने स्कूल या कॉलेज जाएंगे और समय पर अपने पीरियड अटेंड करेंगे, और जो भी काम दिया जाएगा उसको वो नियम से ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड विद्यार्थी हैं। तो अनुशासित विद्यार्थी सारे अपने दिन के कार्य को बहुत अच्छी तरह से करता है और उसको बहुत अच्छे नंबर भी मिलते हैं, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड भी बढ़िया बनता है, और उसके टीचर्स और उसके लेक्चरर्स सब उसे बढ़िया भी मानते हैं, समाज में भी उसे बढ़िया मानते हैं, परिवार में भी उसे बढ़िया मानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, डिसिप्लिन एक ऐसा फॉर्मूला है कि जहाँ भी डिसिप्लिन होगा वहाँ सफलता जरूर होगी। परिवार में देख लो, जो परिवार अनुशासित है वो परिवार तरक्की करता है। आप स्कूल में देख लीजिए, जिस स्कूल में डिसिप्लिन है, आने का समय, जाने का समय, पीरियड्स लगने का समय, पढ़ाने का समय, सब कुछ निश्चित है और सब अपना अपना काम ठीक ढंग से स्कूल में कर रहे हैं, वो स्कूल तरक्की करता है, क्योंकि उस स्कूल में डिसिप्लिन है, उस स्कूल में पढ़ाई होती है। इसी प्रकार से कॉलेज है, जिस कॉलेज में हौच पौच काम होता है उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती, जिस कॉलेज के अंदर अनुशासन होता है उस कॉलेज के अंदर पढ़ाई होती है। तो जहाँ जिस संस्था में डिसिप्लिन होगा तो ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। ऐसे ही हर जगह कहीं भी आप देख सकते हैं डिसिप्लिन जो है वो बहुत कुछ सिखाता है मनुष्य को। मनुष्य डिसिप्लिन में रह करके एक आस्तिक भी बन जाता है, और प्यारे विद्यार्थियों, थिंकिंग भी पॉजिटिव हो जाती है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग होती है और अनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति की नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो क्योंकि अनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति तो नेगेटिव थिंकिंग उसकी क्यों होती है? क्योंकि वो हौच-पौच कार्य करता है सारे। जब कार्य उसके ठीक से नहीं होते,
नियम से वो काम नहीं करता तो बुद्धि भी ऐसी ही उसकी बन जाती है। तो आप अनुशासन में रह करके पढ़ाई करें, आज से अनुशासन का पालन करें, अनुशासित अपना जीवन, अनुशासित जीवन बनाएं और आप देखें कि तरक्की आपके जीवन में आज से ही शुरू हो जाएगी। जिस दिन से आप डिसिप्लिन में रहना शुरू कर देंगे, ये समझिए तरक्की उसी दिन से शुरू हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, जो अनुशासित बच्चे हैं वो देश के लिए भी बहुत ही अच्छे सिद्ध होते हैं, वो एक अच्छे नागरिक भी बनते हैं। अच्छे विद्यार्थी ही नहीं, अच्छे नागरिक भी बनते हैं और वो अच्छे पद पर भी जाते हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग होने के कारण वो सारे कार्य पॉजिटिव करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा विद्यार्थी बनना देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जापान का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, केवल विद्यार्थियों आपके लिए। हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति जापान में गए, बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने उपदेश किया और उपदेश के बाद उन्होंने अपने सेवक से कहा कि ताज़ा फल लेकर आओ। वो जापान में कई जगह इधर उधर गया, उसे ताज़ा फल नहीं मिले। उसने आकर के कहा कि सर, ताज़ा फल नहीं मिले मुझे कहीं भी। इस बात को एक वहीं का विद्यार्थी सुन रहा था और उस विद्यार्थी ने तुरंत कहा, सर मैं आपके लिए ताज़ा फल लेकर आऊँगा। वो गया, इधर उधर से ताज़ा फल लेकर आया और आकर के उसने स्वामी जी को ताज़ा फल दिए। स्वामी जी ने अपने सेवक से कहा, इनको पैसे दे दो। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि जब आप पैसे नहीं लेते तो मैं फल भी नहीं लूँगा। इस पर उस विद्यार्थी ने क्या कहा, ज़रा सोचिए। अच्छे अनुशासित विद्यार्थी कैसे होते, आप सोचिए ज़रा। उसने ये कहा कि मैं इसके बदले कुछ और लेना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा, बोलिए क्या लेना चाहते हो। मैं इसके बदले ये लेना चाहता हूँ कि आप अपने देश में जाकर के ये ना कहें कि जापान में यानी हमारे देश में ताज़ा फल नहीं मिले। स्वामी जी इस बात से बहुत खुश हो गए और उनको कहा कि मैं नहीं बोलूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अनुशासित विद्यार्थी होते हैं, जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो इतने अच्छे विद्यार्थी बन जाते हैं। और सर्विस के लिए और ऊंचे पद पर जाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, वो जहाँ कहीं भी जाना चाहें वो पहुँच जाते हैं। तो अपने जीवन में प्यारे विद्यार्थियों, अनुशासन को अपनाइए, अनुशासित बनिए और आप आज से इस अनुशासन में रहना शुरू कर दीजिए। यदि आप अनुशासित नहीं हैं तो फिर आप तरक्की देखिए अपने जीवन के अंदर। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें यदि आप ठीक समझे तो। और अंत में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।